तो फ्रेंड्स, मैंने एक हफ्ते से ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब था, बुखार सर्दी हो गई थी। अभी थोड़ा ठीक है तो मैं सोचा ब्लॉग बनाया जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ अली मलिक और आसिफ अली इस ब्लॉग में आप लोग की स्वागत है। आज मेरा गांव में लास्ट डे है, मैं जा रहा हूँ मुंबई फिर से एक महीने बाद। अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, वहाँ जाके स्टेशन जाके फिर आप लोगों से। ये देखिए कुहासा कितना हो गया, फॉग कितना है। हमारा वेस्ट बंगाल में बहुत ठंडी भी पड़ने लगी है, मुंबई में क्या होगा मालूम नहीं है, मुंबई जाके बताएंगे। तो आ चुका हूँ मेरा लोकल स्टेशन, हम लेंगे टिकट उसके बाद जाएंगे। ये हमारा लोकल स्टेशन अग्रदीप, और अभी 5 मिनट में ट्रेन आने वाला है। सो मैं अभी जाके ट्रेन के अंदर बैठ के आपसे फिर बात करता हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा हावड़ा स्टेशन, और ये आरिफ मेरा भाई मुझे छोड़ने के लिए आया है। तो अभी ट्रेन शायद ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे दिया, ट्रेन निकल रही स्टेशन पर आ रहा है। तो अभी मैं हावड़ा जाकर आपसे मिलूँगा। तो मैं छोड़ के अभी निकल रहा हूँ मेरा गांव। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं हावड़ा स्टेशन, लोकल से मेलटन के पास जाऊँगा मैं। हावड़ा स्टेशन देखिए कितना जाम है, कितना छोटा है। स्टेशन इतना बिजी है ना, वेलकम टू हावड़ा स्टेशन। सो मैं अभी जा रहा हूँ एक नंबर स्टेशन से गीतांजलि का, कितना स्टैम्प देखते हैं फिर आप लोगों से बताते हैं। मुझे भूख लगी थी तो मैंने छोले भटूरे खाने के लिए आ गया फूड प्लाजा में। अभी देते हैं फिर आपसे बात करते हैं। मिलते हैं, मेरा तो अभी नहीं है सॉरी। अच्छा भाई, मेरा छेना बैठे रहे, मैं खा के फिर अगले से मिलता हूँ। सो मेरा खाना वाना नाश्ता करके रेडी हो चुका हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ स्टेशन पे। कितना नंबर स्टेशन पे दिया है, प्लेटफॉर्म में दिया है वो देखता हूँ मैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो ये हो गया हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस, 13:50 21 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलेगी। तो हम लोग अभी जाएंगे 21 नंबर प्लेटफॉर्म पर। मेरा ट्रेन का टाइम हो गया, अभी टाइम हो गया आपका 13:28 हो गया, 30 मिनट और टाइम है। तो चलते हैं हम लोग, मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में जाके फिर। सो मैं अभी जा रहा हूँ 21 नंबर प्लेटफॉर्म में, तो उसके बाद जाके फिर 21 नंबर प्लेटफॉर्म जाके मेरा भी एसी में है, तो जाके फिर मिलते हैं आपसे। सो मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, बैग पैक सब रख दिया हूँ। अभी ट्रेन खुलने में कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं है। सो अभी मैं नीचे उतरा हूँ फिर जाऊँगा ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारा लेट हो चुका है, 1:50 का ट्रेन था, उसके बाद अभी टाइम हो गया आपका 2:22 हो चुका है, ऑलरेडी लेट है। देखते हैं कब तक छूटता है, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं फिर। तो ट्रेन अभी छूट चुका है, अभी हम हावड़ा से निकल रहे हैं यहाँ पे, कल रात को पहुँचेंगे, उससे पहले तो पहुँच नहीं सकते मुंबई। अब चलो जाके अंदर बैठते हैं। ये है हावड़ा, बाय बाय हावड़ा, और 1 महीना हो गया, मिस करूँगा, फिर से आऊँगा। ये मेरा बेड है, तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे कल रात को। अभी पहुँचे हम लोग नासिक स्टेशन, 3 घंटा लेट है ट्रेन, अभी जाते जाते और 3 घंटा लगने वाला है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ मुंबई, अभी उतरने वाला हूँ 5 मिनट में, 3:30 घंटा लेट है। तो चलो नीचे उतर के देखते हैं, शायद ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, टैक्सी
चुका हूँ अभी दादर स्टेशन, बाहर निकलने के बाद फिर मिलता आपको। ये मैं लोकल ट्रेन पे से आ चुका हूँ, अभी इसमें बैठ के मैं दादर से अंधेरी जाने वाला हूँ, अंधेरी जाके फिर मिलते हैं आपको। मैं अभी पहुँच चुका हूँ अंधेरी स्टेशन, बाहर जाके फिर आप लोगों से मिलूँगा। देखता अभी लेफ्ट किधर है, इधर है लेफ्ट, सॉरी एक्सलेटर इधर है। पूरा खाली है स्टेशन और मैं अभी यहाँ से जाऊँगा। मैं स्टेशन से बाहर आके रिक्शा ले लिया हूँ, अभी मैं जाऊँगा वर्सोवा जेट्टी के पास। अभी चलते हैं, और रात का टाइम है तो मैंने बोला चलो रिक्शा ले लेते हैं, सुकून से पहुँच जाएंगे। और आज दिवाली के टाइम भी है यहाँ पे, आप लोग को दिवाली का लाइटिंग भी दिखाते चलेंगे, मुंबई में कैसा दिवाली का लाइटिंग होता है। और इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूँगा। अगर आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।